मेरा नाम सफ़िया याकूब है। मुझे ना कुछ टाइम पहले ना गुठली महसूस हुई थी ना, इसके बाद ना हम डॉक्टर इधर बैतुल सुकून में आ गए तो उनको दिखाया। दूसरे दिन उन्होंने बायोसी कर दी। फिर 8 दिन के बाद ना इसमें रिजल्ट आया बड़े ज़्यादा से कि ना इसमें कैंसर है। जब मुझे पता चला कि ना ये कैंसर हो गया है मुझे, तो मेरे उसी वक्त ही हाथ पैर वो हो गए थे कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं पूरी रात रोती रही, मैंने ताज्जुब में भी अपने लिए दुआ करती रही कि या अल्लाह ये क्या हो गया। बच्चों के बारे में मेरे दिल में ये आया कि लाजिमत है, अब मेरा हिसाब किताब तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चों का कोई नहीं सिवा अल्लाह की ज़ात के। फिर मैं अल्लाह से दुआएं की, फिर सुबह हम लोग बैतुल सुकून की तरफ आ गए। जब हम लोग बैतुल सुकून में आए तो उन्होंने हमारा मतलब कीमोथेरेपी शुरू की ना, इन्होंने मेरा ऑपरेट भी यहीं किया। जब ऑपरेट हो गया फिर इन्होंने दोबारा कीमोथेरेपी शुरू की जो 1-1 हफ्ते की थी 12, वो भी ख़त्म होने के बाद फिर उन्होंने यही कहा कि अब आपको शुआएँ नहीं लगेंगी, माशाल्लाह आपका इलाज परफेक्ट हुआ है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई है। मैं सेहतयाब हो चुकी हूँ, अल्लाह का करम है, मेरे बाल भी आ चुके हैं। यहाँ पे इलाज मेरा मुफ्ती हुआ है। यहाँ पे ना डॉक्टर भी ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं डॉक्टर हैं, और यहाँ पे इलाज फ़ौरन होता है, यहाँ पे लापरवाही नहीं है। ये मैंने देखा, सफाई का भी बहुत है। वो बच्चों के बारे में मैं सोचती हूँ कि बच्चों को अल्लाह पाक मुझे उनकी खुशियाँ दिखाए, और जो इनके आगे के जो हैं वो भी मैं माशाल्लाह देखती जाऊँ, बस इसी तरह खुश रहें हम लोग, और अल्लाह में बस कैंसर से हर किसी को बचाए। मैं बैतुल सुकून को, बैतुल सुकून के डॉक्टर को, इनके पूरे इदारों को एक बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ना मेरे साथ एक कोऑपरेट किया और आज मैं कैंसर से बाहर हूँ। अगर बैतुल सुकून इदारा नहीं होता तो लाजमी बात है कहीं पर भी जाएंगे तो कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। मैं नहीं कर पाती, शायद नहीं भी रहती दुनिया में। इस वक्त 1 साल हो चुका है कैंसर से लड़ाई करके, मैंने ना ऐसा लगा कि मैं आगे हर काम कर सकती हूँ। मुझे ये हिम्मत आई है अपनी ज़िंदगी के अंदर। जो लोग यहाँ पे अतिया और ज़कात देते हैं उन लोगों को भी बहुत से लोगों की तरफ से दुआएं मिलती हैं, मरीज़ों की तरफ जिनका इलाज यहाँ चलता है। अल्लाह उनको भी इस चीज़ से बचा के रखता है। इसी वजह से कहते हैं रफाफात अमल जो होता है वो ये कि अल्लाह पाक जो आप सबके लिए करेंगे तो अल्लाह पाक आपको उस चीज़ से बचा के रखेगा।